इलाहाबाद का बहमनपुर प्राथमिक विद्यालय में कुछ वक्त पहले तक कोई छात्र नजर नहीं आता था, लेकिन साल 2008 में केसरा वर्मा ने प्रिंसिपल के तौर पर यहाँ की जिम्मेदारी संभाली। वो ये देखकर हैरान थे कि स्कूल के रजिस्टर में बच्चों के नाम तो दर्ज थे, लेकिन स्कूल कोई आता ही नहीं। केसरा वर्मा खुद वजह जानने गांव निकल पड़ी। तो मैं घर घर जा करके नामांकन तो कर लिया, लेकिन बाद में देखा कि बच्चे नामांकन के बावजूद स्कूल में नहीं आ रहे हैं। फिर ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। फिर हम गांव में जाना शुरू किए। गांव में गए, देखे तो वहाँ हर घर में दारू बनती है, दारू मतलब शराब बनती है, और बच्चे भी घर में इस कार्य में सहयोग करते हैं। प्रिंसिपल ने ठान लिया कि बच्चों को शराब के धंधे से बाहर निकाल कर स्कूल तक लाना है, और फिर वो घर घर जाकर बच्चों और उनके अभिभावकों को समझाने लगी। इसके बदले में उन्हें गालियां भी सुननी पड़ी। हर घर में जो है दारू बनती है, और जितने मेल अभिभावक थे वो सारे दारू पी करके दरवाजे पे पड़े रहते थे। इतनी बदबू उनके मुंह से आती थी कि उनसे बात करना भी मुश्किल था, और यहाँ तक कि उनको, क्योंकि वो अशिक्षित थे तो वो कुछ गलत फब्बियां भी करते थे, तो हम लोग उस पर ध्यान ना दे करके सीधे अपने जो है। लेकिन प्रिंसिपल की जिद के आगे तस्वीर बदलने लगी। अब हालात ये हैं कि स्कूल में आज 200 से ज्यादा छात्र पढ़ने पहुँचते हैं। हमारे यहाँ उपस्थिति बहुत अच्छी रहती है, और अभिभावक भी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ के कुछ बच्चे जो इस समय 7th-8th में पहुँच गए हैं, यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, अब वो अपने माँ बाप को समझाते हैं कि दारू बनाना अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है। और करीब 200 घर ऐसे हैं जहाँ दारू बनना अब बंद हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में हमारा बहमनपुर ग्राम सभा दारू से मुक्त हो जाएगा। स्कूल में पढ़ने के बाद अब बच्चों ने अपने माता पिता को सुधारने की पहल शुरू कर दी है। केसरा को भी उम्मीद है कि गांव का हर बच्चा पढ़ सकेगा, और पूरे गांव की तस्वीर एक दिन जरूर बदलेगी।